हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी एस स्टडी 94 में। और दोस्तों यश, जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से 5 तारीख का ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लिया गया, पूरे देश में सराहनीय रहा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश के ही नेतागण हैं, कुछ फेसबुक यूज़र हैं जो सोशल प्लेटफॉर्मिंग पर सक्रिय रहते हैं, वो तमाम तरह के गलत मैसेज फैला रहे हैं, उनके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं। अगर ऐसे लोग से निवेदन है कि कृपया आप अपने देश की गरिमा को बनाए रखें और भारत की जो इंटीग्रिटी है उसे सही जगह पे लगाएं और सही तरीके को समझें। जिस प्रकार का आप दुराचार और दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये देश को कह सकते हैं अशांति की तरफ ले जाएगा, देश को विनाश के रास्ते ले जाएगा। इसलिए आप ऐसे लोगों की संगत से और ऐसे लोगों के परिवेश में बैठने उठने या उनसे किसी प्रकार का संबंध रखने से बचें। याद रखिएगा, कहते हैं ना कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप 2 मिनट में अगर उस गाली का जवाब देंगे स्थितियां बिगड़ जाएंगी, और आप अगर अपने सही दिशा में चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। होता है ना कि हाथी चली जाती कुत्ता भौंकता ही रह जाता है, और आपको पता है हाथी की क्षमता क्या है, अगर एक बार पैर से मार दे तो कुत्ते की क्या औकात होगी। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, ऐसे परिवेश, ऐसे माहौल से बचें आप लोग, क्योंकि आज हमारे देश को ज़रूरत है इंटीग्रिटी की, सॉलिडेरिटी की। और जिस चीज़ को बनाए रखने में अगर कोई मदद कर सकता है तो यहाँ के जो काबिल नागरिक हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले उन वाक्यों की तरफ। जैसा कि आप लिखा, दशा सुधारने के लिए दिशा बदलनी पड़ती है। जैसे आप कई सालों से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर अपनी बॉडी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे होता है ना कुछ लोग जिम कर रहे हैं, हम कहते हैं भैया 2 साल से जिम कर रहे हैं, मेरे बॉडी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, या फिर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिशा बदलनी पड़ेगी। दिशा का मतलब ये नहीं होता कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो काम करने का तरीका है उसे बदलना पड़ता है। देखिए, एक जो सफल व्यक्ति है, एक जो असफल व्यक्ति है, उसे भी 24 घंटा मिलता है और असफल व्यक्ति को 24 घंटे मिलता है। बस उस 24 घंटे को यूटिलाइज करने का अपना अपना तरीका होता है। उस 24 घंटे को कुछ लोग दोस्तों के बीच गपशप में उड़ा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दोस्तों के बीच में बैठते भी हैं पर अपने जो 5 घंटा 4 घंटा अपना पढ़ाई में या फिर भविष्य में उन्हें जो करना है, जो बनना है, उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं, इसलिए वो आगे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आत्मघाती असमंजस। देख रहे हैं लिखा है ना, तो कहने का बाद है ये, देखिए लिखा है, राज्यसभा के बाद लोकसभा से जम्मू कश्मीर के नए सिरे से गठन संबंधी विधेयक को पारित होना ही था। अपेक्षा के अनुरूप ऐतिहासिक महत्व वाले इस विधेयक के साथ ही अनुच्छेद 370 को करीब करीब समाप्त करने वाला प्रस्ताव भी बड़े बहुमत से पारित हो गया, लेकिन यह अपेक्षित नहीं था कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस और अधिक भ्रमित दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि उसने इस घटनाक्रम से कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं समझी। आप सोचिए दोस्तों, आज कांग्रेस की ये स्थिति क्यों है, क्यों एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी आज वह अपने दिशा और दशा में भटक चुकी है, आज अपने अस्तित्व की तलाश में है। क्यों जो 70 साल से हमारे देश में एक धरोहर के रूप में जो पार्टी मानी जाती थी, आज उसकी गरिमा कहाँ चली गई, कहाँ खो गई है। आज उस पार्टी के अंदर जो प्रेसिडेंट का पद है वो ऐसे खाली क्यों है, आज 2-3 महीने से क्यों कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा अनुभवी नहीं मिल रहा कि उस पद पर उसे विराजमान कर पाए। ये वही है, इनके अंदर जो पार्टी की जो विचारधारा है वो नगण्य है, वो शून्य है। उनके पास एक स्पष्ट जनादेश नहीं है, स्पष्ट विचारधारा नहीं है। याद रखिएगा, चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, उसका महत्व तब होता है जब उसके पास एक स्पष्ट विचारधारा होती है, एक क्लियर आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि उसी विचारधारा के माध्यम से लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपकी पार्टी को, आपके संगठन, आपके संस्था को महत्व देंगे। अगर आपका आपका जो पार्टी है, अगर उसका क्लियर विज़न नहीं है, क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा। और 370 ये पूरी दुनिया
जानती है कि जो अनुच्छेद 370 था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनाया गया था और ये एक अस्थाई प्रावधान था। इसके बावजूद हमारे देश के कुछ नेतागण, और ख़ासकर से मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस, अगर कांग्रेस आज अगर समर्थन देती इस मुद्दे पर, तो मैं वाकई यकीन से कह सकता हूँ कि उसके जो भी कार्यकर्ता है, जो प्रशंसक हैं, उनके भी दिल में वो जगह बना पाती, और जो संसद के अंदर जो कुछ मंत्रीगण हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वो अपनी इज्जत बना पाती। पर किस प्रकार से वो अंधी हो चुकी है और किस प्रकार की राजनीति करना चाहती है समझ में नहीं आ रहा। उसका सीधे सीधे विरोध है उस कांग्रेस का हुआ और आपका तृणमूल सरकार का हुआ, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, या फिर सपा के जो इस समय नए चहेते लड़के हैं अखिलेश यादव। ये लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे कोई कैसे पारित कर सकता है 70 साल की चीज़ों को? तो आपको बता दें भैया तुम लोगों को कि इतिहास वही बदलता है जिसमें कुछ दम होता है, कुछ क्षमताएं होती हैं। ऐसे बच्चों का काम नहीं है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण करा दिया और दूसरी ही बारिश में ढह गई। तो आप लोग अभी बच्चे हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महत्व के, जब राष्ट्रीय महत्व की बात होती है, अगर उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकने का काम करती हैं और उस राष्ट्रीय महत्व के भी कटघरे में खड़ा कर देती हैं, तो ऐसे लोगों की निंदा की जानी चाहिए। क्या आप लोग भूल गए हैं वही कांग्रेस थी, वही सपा बसपा है जिन्होंने पुलवामा जब हमला होता है हमारे देश के अंदर, किस दर्दनाक, किस निर्ममता के साथ हमारे देश के जवानों को मारा जाता है। जब हमारे देश के जवान शहीद हुए तो दोस्तों यही पार्टियां थीं किस प्रकार से आरोप लगा रही थीं। कुछ ऐसे मूर्ख भी थे जो ये कह रहे थे कि हमारे देश में अगर ये स्थिति पैदा है तो सेनाओं की वजह से। क्या ज़रूरत थी ऐसे रास्ते जाने, क्या ज़रूरत थी ये करने के लिए? कुछ सोए रहेंगे, ये करेंगे? सोचिए, जो हमारे देश के प्रहरी के रूप में, हमारे देश की जो सदियों से रक्षा कर रहे हैं, उनके बारे में अगर जो लोग इतने बड़े आरोप लगा सकते हैं, तो और की तो बात ही छोड़िए। इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो किसी भी हद तक जाकर वो काम कर सकते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता क्या सोचेंगे, हमारे प्रशंसक। अगर आप इस प्रकार की उजूल फजूल बयान देंगे तो इससे क्या है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर को मजबूत करते हैं, ग्राउंड लेवल को, उनमें इतनी निराशा आ जाएगी, आपकी पार्टी छोड़ देंगे। और यही हो रहा है। सपा के भी एक थे, उन्होंने भरी सदन में इस्तीफा दे दिया, कहा आज हमें ज़रूरत थी सपा के जो मुखिया हैं वो समर्थन दें। पर इन्होंने किस निर्ममता के साथ विरोध किया, मैं इस पार्टी से त्यागपत्र देता हूँ। और वही हाल हुआ आपके कांग्रेस में भी। कांग्रेस में भी उन्होंने यही दोहराया कि आज ज़रूरत है पूरा देश, देश की राजनीतिक पार्टियाँ बीजेपी के साथ खड़ी हों, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का विषय है। पर अगर हम वहाँ पर भी राजनीति करते हैं तो ये मुझसे नहीं होगा। इसीलिए मैं इस सदन से आग्रह करता हूँ और सभापति महोदय जी को कि मैं इस्तीफा देता हूँ। तो ये सराहनीय विषय, और इन पार्टियों को सीखना चाहिए कि एक के बाद एक उनके ही लोग अपनी राजनीतिक पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यहाँ पे हमारा जो है भविष्य खतरे में है, और ये पार्टियाँ हमारे देश को भी खतरे में डाल देंगी, क्योंकि ये जो राजनीति करती हैं वो बेहद गंदी राजनीति करती हैं। ठीक, उसके बाद ट्रामा सेंटर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है। अब बोलिए, राजधानी मगर ये ऐसी समस्याएं हो सकती हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो अन्य जगहों पे क्या स्थिति होगी? ठीक, अब यहीं पे देखिए, आपके मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी महाराज यहाँ पे विराजमान करते हैं, और देखिए किस प्रकार से 2 व्यक्तियों की मौत होती है यहाँ पे। और इन व्यक्तियों की इसलिए मौत हो जाती है कि ट्रामा सेंटर में बेड खाली ना होने की वजह से उस मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रेफ़र किया जाता है, और वहाँ से इसी रेफ़र के चलते दोनों मरीजों की मौत हो गई। तो ये बहुत ही निंदनीय है, ख़ासकर सरकार के भी प्रति। सारी सुख सुविधाएं हैं ट्रामा सेंटर में, फिर भी बेड की संख्या कम क्यों है? आखिर इतनी बड़ी गलती क्या कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार किसी के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है? तो ऐसे लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं कैसे जीवित रहेंगी? याद रखिएगा, कल उनके परिवार के साथ हुआ है, आज हमारे परिवार के साथ होगा। इसीलिए अगर आप विरोध नहीं करेंगे
तो ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी और चलती हैं। ये समस्याएं आज नई नहीं हैं, इससे भी दर्दनाक, इससे भी खतरनाक मौतें हमारे देश में हुई हैं, बस स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, सरकार को एक ज्ञापन सौंपना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, बताइए। हमारे देश में किसी भी मरीज़ की मृत्यु इसलिए हो जाती है कि आप लोग बस यहाँ से एक दूसरे जगह से, वहाँ से यहाँ से रेफ़र करने के चक्कर में कि हमारे पास इनका इलाज नहीं हो पाएगा, पर इस वास्तविकता को कोई नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ गलत बातें बोल के वहाँ से रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं बदलते वैश्विक माहौल में सही कदम। ये देखिए, सबसे पहले बताएं आपको बदलते वैश्विक माहौल में सही कदम। आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत भारत को टकटकी निगाह से देख रहा है कि किस प्रकार से भारत एक के बाद एक नए फैसले ले रहा है। जैसा कि चंद्रमान 2, इससे पहले हमने 2008 में चंद्रमान 1 छोड़ा था, उसके बाद अभी पिछले महीने हमने छोड़ा था चंद्रमान 2, और जिसकी सफलता से पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत भी एक तरह से कहेंगे गौरव महसूस कर रहा था कि भारत चौथे देश की श्रेणी में आ गया। उसके बाद उसने 3 तलाक पे किस साहसीपूर्ण कदम उठाकर उसने कानून बनाया, बहुत ही सराहनीय का विषय है। उसके बाद जो सबसे बड़ा विषय था, जो 70-80 साल से दो देशों के बीच मौत का कुआं बना था, और जो उस राज्य के, चाहे PDP हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी नेताएं आए और गए पिछले कई दशक से, वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और एक झूले पे बैठ के अपना चल रहे थे, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35, क्योंकि अनुच्छेद 370 और इस 35 एक ही चक्कर में ही वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग एक शरणार्थी के जीवन व्यतीत कर रहे थे, लाखों लोगों को तमाम सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा, वो अपने देश में रह कर भी अपने देश के हो न सके। ऐसे तकरीबन 2 लाख परिवार थे जो शरणार्थी के जीवन पिछले 70 साल से वहाँ पर रह रहे थे। तो अब तमाम तरह के देख सकते हैं बातें उठी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जैसा देश और वहाँ के जो शासनाध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, मुझे से आग्रह किए कि कृपया आप चल के वहाँ पे मध्यस्थता करें। पर ये अब पूरी दुनिया जान गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं। याद रखिएगा, किसी में कुछ करने का साहस होगा ना, वो किसी से पूछेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं। आज भारत जैसा देश भी नेहरू की तरह, इंदिरा की तरह, मनमोहन की तरह, ऐसे तमाम प्रधानमंत्री इनके जो हुए, इनके समकालीन, वो भी उनसे जाके, पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री थे उनसे भी वो जाके ये राष्ट्रसंघ में, यूनो में ये बात उठा सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाके कह सकते थे कि हमें न्याय चाहिए। पर नहीं, न्याय मांगने से आजकल नहीं मिलते हैं, न्याय छीनना पड़ता है। हमारे देश का मसला है, हम किसी और देश से क्यों मांगें? क्या वो देश जान सकता कि कश्मीर से हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनसे किस प्रकार की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं? जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, और हमारा मुकुट कोई अगर छीने, हमारा ताज कोई छीने, तो हमें कैसा लगेगा? इसीलिए हमें ये संघर्ष, ये युद्ध मंजूर है, पर जम्मू कश्मीर कोई हमसे छीन ले, ये मंजूर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लाखों घर बेघर हो गए, आए दिन किस प्रकार की वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ सक्रिय पाई जाती थीं, तमाम हमारे जवान मारे जाते थे, मतलब ये डेली होता था। क्यों होता था? क्योंकि वहाँ का कानून ही अलग था, अलग तिरंगा, अलग संविधान, अलग निशान। तो ऐसे में ये काम होना ही था, और जो उस राज्य को 370, देखिए बहुत बड़ी चाल थी। आखिर क्या कारण था? कोई पाकिस्तान का व्यक्ति अगर कश्मीर में किसी महिला से शादी करता है तो उसको वहाँ का निवासी माना जाएगा, और महिला के जो अधिकार हैं और जो वहाँ की संपत्ति है उसकी स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी। पर अगर कोई भारतीय अगर उससे शादी करता है तो उसकी सारी सारे अधिकार, सारी संपत्तियाँ खत्म हो जाएंगी। ये क्या है? ये तो सीधा सीधा लग रहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा जुड़ाव है, भारत से कहीं भी जुड़ाव नहीं है। 3 मसलों पर बस आपने अधिकार दे दिया। तो ये पूरी दुनिया टकटकी लगाई थी, यहाँ तक कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता किस प्रकार कह रहे थे, महमूद क्या नाम है, महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला जी, अब्दुल शेख अब्दुल्ला जी, अरे फारूक अब्दुल्ला जी, क्या कह रहे थे कि देश में कोई भी
अगर इस प्रकार का षड्यंत्र रचता है, 370 खत्म करने की सोचता है, तो देश में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आपको बता दें, आज पूरा जम्मू कश्मीर आपको ढूंढ रहा कि आप हैं कहाँ, नज़रबंद कर दिए गए हैं। सरकार सबसे बड़ी होती है, आप मुट्ठी भर भी लोग नहीं हैं, गिनती भर लोग हैं, उसके बावजूद किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के जनता को मूर्ख बना रहे थे। पर अब ये नहीं होगा, अब दो केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ा दिया गया है, एक है आपका लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर। और इस वजह से अब आप जो है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें केंद्र सरकार से संचालित होगी। यहाँ तक कि अगर एक क्लर्क का भी अपॉइंटमेंट होगा ना, तो केंद्र सरकार करेगी। तो अब खुशियाँ मनाइए, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेहरू की जीत से जुड़ा था अनुच्छेद 370। इसका मतलब बताया दें, नेहरू की जीत से जुड़ा था अनुच्छेद 370। जी हाँ दोस्तों, पूरा भारत देश जानता है और तमाम तरह के अन्य देश भी जो जानकारी रखते हैं भारत के संदर्भ में और कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि विदेशों में भी जब वहाँ पे 1947 का पार्टीशन पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि एक विवादित है दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर, जिससे आज अशांति है भारत और पाकिस्तान के बीच। पर अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा, अब देश के सारे पाठ्यक्रमों में संशोधित और सही तरीके से पढ़ाया जाएगा कि अब ये केंद्र शासित राज्य हो चुका है भारत जैसे देश का, ठीक है। नेहरू की जीत से जुड़ा था अनुच्छेद 370। तो देखिए, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, तकरीबन उस समय 543 या उससे ज़्यादा रियासतें होती थीं और उन रियासतों का एकीकरण का जिम्मेदारी दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उस रियासतों का एकीकरण कर रहे थे तो उसमें हैदराबाद, जूनागढ़ थी और कश्मीर। हैदराबाद को कह सकते हैं पुलिस के माध्यम से और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर। और जब बात आई जम्मू कश्मीर की, तो सीधे सीधे इन्होंने कह दिया नेहरू जी ने कि आप जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरा मामला है, इसे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने इनसे कहा था कि इस मामला को आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था में लाएं, जिससे हमारी भी थोड़ी साख मजबूत हो, ठीक है। तो इनके कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पीछे हट गए, नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर जूनागढ़ और हैदराबाद को, बता दें 543 से ज़्यादा रियासतें थीं, जो सारी रियासतें जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा संवेदनशील थीं, पर किस प्रकार से, किस चतुराई और किस साहसपूर्ण कदम से सरदार वल्लभ भाई पटेल सारी रियासतों का एकीकरण कर दिए। पर नेहरू की वजह से उन्होंने कश्मीर का जो विषय था वो नेहरू के पास ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा आदेश दिया गया था। नहीं तो दोस्तों, कश्मीर जिस भयानक संकट से 70 साल गुजरी, वो नौबत नहीं आती अगर ये मामला वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया होता। और किस प्रकार से वहाँ पे इन्होंने, जब 1947 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने अनुच्छेद 370 संविधान में जोड़ा। उसके बाद वहाँ पे तमाम तरह के, क्या नेहरू बेवकूफ़ थे जब उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ की युवतियों से शादी करेगा तो उसे यहाँ का संपत्ति मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, क्या वो बेवकूफ़ था? उसे ये समझ नहीं थी कि कल को ये मामला जो है कि दोनों देशों के बीच युद्ध का अखाड़ा बन जाएगा, इसे पाने की होड़ में तमाम लोग मारे जाएंगे, क्या इसको नहीं पता था? पर ये बंदा अपने आप को प्रमोट करने में इस कदर व्याकुल हो गया था कि इसे उस राज्य के जो नागरिक थे उनकी परवाह नहीं हुई और वो अपने शालीनता में और अपने को आगे प्रमोट करने के लिए किस प्रकार से लाखों निर्दोषों को मार दिया। और ये वास्तविकता है, सबसे बड़ा कार्यकाल के रूप में जाना जाता है नेहरू जी को। पर हम आपको बता दें, अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कहें तो सबसे गलत काम इन्होंने किया है। इतने बड़े कार्यकाल में कोई क्या से क्या कर देता है, पर इस व्यक्ति ने हमारे देश को किस प्रकार से गर्त में ले जाकर ठेल दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।